पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान के रेंजर्स ने इमरान खान को तब गिरफ्तार किया जब वे अल कदीर ट्रस्ट मामले में पेशी के लिए हाईकोर्ट पहुंचे, लेकिन जिस जल्दबाजी और तरीके से इमरान खान को गिरफ्तार किया गया उनके समर्थकों में गुस्सा है। वे सड़क पर उतर आए हैं और हंगामे हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान में कई जगहों पर आगजनी और तोड़फोड़ हुई है। लाहौर में पाकिस्तानी सेना के कोर कमांडर के घर घुसकर इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की है। इसके बाद बड़ी खबर आ रही है कि हिंसा पर उतरे कार्यकर्ताओं पर फायरिंग की गई है, लेकिन कार्यकर्ता हटने की को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जब तक इमरान खान को नहीं छोड़ा जाएगा उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। रावलपिंडी में सेना मुख्यालय पर इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पथराव किया है। कराची में पीटीआई कार्यकर्ताओं पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। इमरान की पार्टी का आरोप है कि उनके नेता का अपहरण किया गया है। एक वीडियो पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें नजर आ रहा था कैसे अर्धसैनिक बलों ने इमरान खान को घेर कर उन्हें जबरदस्ती घसीटते हुए गिरफ्तार कर ले गए और उसके बाद से ही रोष गुस्सा इनमें बढ़ गया। तो हम देख सकते हैं तस्वीरें, आप देख सकते हैं पाकिस्तान से आ रही हैं किस तरह वहाँ के हालात इस समय बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। उनके नेता की गिरफ्तारी के बाद उनकी पार्टी के समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं और पत्थरबाजी एक तरफ हो रही है, हिंसा एक तरफ हो रही है, हंगामा हो रहा है और ज़ाहिर तौर पर ऐसे में कार्रवाई भी पुलिस की तरफ से हो रही होगी। लेकिन ये पाकिस्तान में इस समय चिंताजनक तस्वीरें हैं जो सामने आ रही हैं।